एन का एक एग्ज़ाम होता है देश के जो फौजी अफसर होते हैं वो उसी परीक्षा से तैयार होते हैं उसी परीक्षा के बाद चुनकर आते हैं हमारे साथ इस समय एन के तीन टॉपर मौजूद हैं एक नहीं तीन तीन, तीन टॉपर हैं ये अनुराग हैं ये रैंक वन है ये रितुजा है आपकी कौन सी रैंक है सर ए आई आर और ये पायल है पायल आपकी कितनी रैंक है मेरी रैंक ए आई आर तो आ, जो एन का एग्जाम होता है आप लोग आपकी जब रैंक वन आई तो आप लोग की प्रिपरेशन कैसी थी कैसे तैयारी की सर कहीं ना कहीं स्टेप वाइज प्रिपरेशन थी जो बहुत हेल्पफुल होती है इंडी के एग्जाम में यानी कहीं ना कहीं हमें सारी चीज़ें साथ लेके चलना होता है रिटर्न के साथ साथ भी कहीं ना कहीं हमें अपनी पर्सनालिटी को ऐसे ढालना होता है कि हम एस के लिए भी तैयार होते चलें तो एक वोल प्रोसेस है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हार्डवर्क के साथ अटेन हो जाती है यार गुरु एकदम पूरा फौजी वाला लुक अभी से बाल वाल एकदम है <laughs> सर यानी मैं यही बोलूंगा जब आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने की सोच लेते हो तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे अपनानी यानी वो अपने आप ही आनी शुरू हो जाती हैं तो वो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप आर्म फोर्सेस में कोई भी जाना चाहता है तो ये चीज़ें धीरे धीरे डिसिप्लिन जब आना शुरू हो जाता है तो वो चीज़ें अपने आप आ जाती है कहाँ से हो आप सर मैं चरखी दादरी ज़िला हरियाणा का उसके गाँव चंदेनी से हूँ तो घर में कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा है से आर्म फोर्सेस का या फिर नहीं सर मेरे घर में अभी तक कोई भी मेरी फैमिली में कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में नहीं रह चुका है सर तो तो कैसे ये आया कि अपने को फौज में जाना है सर कहीं ना कहीं वो शायद चरखी दादरी की साइड जो बेल्ट है एक पूरी ऑफिसर्स की या फिर आर्म्ड फोर्सेस में जाने का जो एक वहाँ एक ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल था यानी जब भी मैं अपने गाँव में जाता था और जो मार्टिस की जो स्टैचूज देखने को मिलते थे तो एक अलग ही इंस्परेशन मिलती थी जो कहीं ना कहीं मोटिवेट करती थी कि यस आई कैन ऑल्सो गो फॉर आर्म्ड फोर्सेज है और ऋतुजा आप कहाँ से हो सर मैं डिस्ट्रिक्ट देवरिया उत्तर प्रदेश से हूँ yes, तो आप जैसे लड़कियों के लिए तो ये पेशा अभी एनडीए yes. में कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है कि लड़कियाँ भी एन yes, से जाने लगी yes. तो आपको कब लगा कि नहीं एनडीए जाना चाहिए आर्मी में जाना चाहिए सर मुझे डिफेंस में जाना था ये बहुत क्लियर था hmm. पर एनडीए वाज नॉट देयर पर जब मैंने ट्वेल्थ क्वालिफाई किया विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू अपियर फॉर इट इंस्पिरेशन कहाँ से मिली सर मेरे फैमिली में कोई डिफेंस uh, बैकग्राउंड से नहीं है तो यूजुअली पेरेंट्स में होता है ना सर कि किसी ने कुछ टॉप किया तो दिखाते हैं या फिर कुछ पासिंग आउट परेड आती है तो दिखाते हैं तो ऐसे ही सर टीवी पे आ रही थी पासिंग आउट परेड मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो कौन है लेकिन स्टिल लुकिंग एट द इंथ्य इन आई कुड मैच माई ओन जील तो उनको देख के पहली बार मुझे इंस्परेशन मिली थी कि हाँ मुझे भी इधर जाना है बट एन के थ्रू जाना है इट वॉज जस्ट अ फेज कि जब मैं ट्वेल्थ मैं विद आई वॉज विद एन एज टू अपियर फॉर इट एंड येस सर आई मेड इट टू गो इन डिफेंस थ्रू एन सर तो आपका जो एन में अब सलेक्शन हो गया है कितनी की पढ़ाई करनी पड़ती है इसके लिए इसे बढ़ता था आठ घंटा दस घंटा ऐसे ऐसा कुछ रूल होता है क्या इसमें सर ऐसा कुछ नहीं होता मैंने तो कॉलेज के साथ किया था और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था फ़र्स्ट में मैं स्क्रीन आउट हो गई थी तो सर मेरा रिटर्न तो सिर्फ दो दिन के प्रिपरेशन में निकला था तो वो शायद नोट मेकिंग थी और वो कंसिस्टेंसी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम मेंटेन करके रखी थी क्योंकि स्क्रीन आउट होने के बाद सेल्फ डाउट एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और मेरे पास सिर्फ दो दिन थे तो उस दो दिन में जो मेरे नोट्स थे वो काम आए रिटर्न सर एस एस बी इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल बट इट्स ऑल अबाउट यू पर्सनैलिटी तो जब आप प्रिपेयर करते हो ना एन डी ए के लिए तो आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है तो यू गेन नॉलेज बिकॉज आप कुछ बोल तभी पाओगे जब आपके पास कोई नॉलेज हो तो येस सर कोई ऐसा कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग बिकॉज वो आपको डेडिकेशन अगर आप डेडिकेटेड हो कंसिस्टेंट हो तो आप इजीली निकाल लोगे आठ और चार घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मस्ती करो एज है सर पढ़ते रहो yeah. हो जाएगा पहला आपका सर so, ये मेरा भी यही मंत्र है एस एक ऐसा टेस्ट है जिसमें पर्सनालिटी ज़्यादा देखी जाती है तो इसके प्रिपरेशन के टाइम हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी पर्सनालिटी को उस तरह से बना पा रहे हैं कि जो आर्म फोर्सेस के लिए रिक्वायर्ड है तो वैसी पर्सनालिटी के लिए हमें एम करना चाहिए और साथ ही साथ रिटर्न के लिए भी प्रिपरेशन करनी चाहिए मैं ये नहीं कहूँगी इंडिया की प्रिपरेशन रिटर्न की उतनी डिफ़िकल्ट है अगर आप कंसिस्टेंट रहो भले आप ज़्यादा देर ना पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट रहो तो आपकी रिटर्न ज़रूर क्लियर हो जाएगी यस yes. तो आप आप कहाँ से हो मैं बिहार से हूँ वैशाली आपका, आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा है आर्मी से सर मेरे सात अंकल आर्मी फौजी फौजी बैकग्राउंड से ही हुए हैं सात अंकल फौजी बैकग्राउंड से और मेरे पापा भी आर्मी में तो बचपन से इसी चीज़ ने ज़्यादा मोटिवेट किया आर्मी लाइफ देखी एनवायरमेंट देखा आर्मी का तो उस चीज़ ने मोटिवेट किया फौज ज्वाइन करने के लिए पापा अभी आर्मी में है यस सर पापा अभी आर्मी में पिछले साल ही रिटायर हुए हैं पापा आर्मी में सर्व कर रहे थे किस पोस्ट पे थे सूबेदार थे सर सूबेदार बेटी अब जो है कैप्टन बनेगी लेनेट बनेगी यस yes, सर उस चीज़ में एक अलग ही खुशी होती है कि जूनियर कमीशन ऑफिसर के बच्चे कमीशन ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं आर्मी में तो उस चीज़ की बहुत खुशी है तो क्या रिएक्शन था घर वालों का सर पेरेंट्स बहुत खुश थे रिलेटिव भी खुश थे सिबलिंग सब खुश थे सर खुशी का माहौल था यस सर अभी आप तीनों ने जो बात की वो एस SSB... की बात की उस पर हम लोग आएंगे जैसे शुरू से बताइए कि जैसे कोई बच्चा सात सातवीं आठवीं में जैसे मुझे नहीं पता इंडिया के बारे में क्या पढ़ाई करनी होती तो शुरुआत कहाँ से करनी होती क्या क्या पढ़ना होता है सिर्फ uh, अगर पढ़ने की बात करी जाए तो जब आप सेवेंथ एट्थ में हो तो सबसे जो वाइटल uh, अपर्चुनिटी आपके पास होती है कि आप अपनी सिक्स से टेंथ तक की साइंस एंड मैथ्स अच्छी कर सकते हो वो एक आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगी क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं इंडिया रिटर्न की जो आप, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हैं जैसे जनरल साइंस अगर आपने सिक्स टू टेंथ तक अच्छे से साइंस पढ़ी है तो यू डो नॉट नीड टू गो बैक टू दैट ऑल दैट स्टफ तो वो एक टाइम सेविंग एस्पेक्ट होता है जो सिक्स सेवंथ एट्थ के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा वो होता कैलकुलेशन स्पीड जो वह पीरियड ऑफ टाइम बनती है तो सेवन्थ एट्थ का बच्चा भी बैठ के टेबल्स लिख सकता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट करने में से अच्छा। फिर इसके बाद क्या करना होता है सर इसके बाद एसएसबी होती है एंड सर एस इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी पाँच दिन का ये टेस्ट होता है उसमें फर्स्ट डे स्क्रीन इन स्क्रीन इन का बहुत इंपॉर्टेंस है सर अगर आप स्क्रीन आउट हो गए सर पहली बात तो आपको बहुत पॉजिटिव चलना पड़ता है स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट वो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाता है कि मेरे में नहीं है मतलब स्क्रीन आउट थी तो मेरे को इस टाइम ये था कि स्क्रीन इन हो जाऊँ रिकमेंडेशन तो बाद में देखेंगे तो स्क्रीन इन फर्स्ट डे होता है फिर साइकोलॉजी दो तीन जी टी थर्ड आपका इंटरव्यू उसके बाद सर कॉन्फ्रेंस होता है तो इसमें सर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए कि सामने वाला समझ सके आप इतनी सरलता से बोले स्पष्ट सरल तरीके से बोले कि सामने वाला समझ सके। हमारे न्यूज रूम का जो टैगलाइन है ना जो हमारे उसका ये स्पष्ट सरल और सरस सर सौरभ द्विवेदी सर कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज में आए थे हिंदी डिपार्टमेंट का फेस्ट था तो वो मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं है लेकिन तब भी मैं उनके आ, स्पीकर अटेंड करने गई थी बहुत कुछ सीखा उनसे इसमें से एक बात ये भी थी <laughs> तो सर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और सर नॉलेज मैंने जी के लिए तैयारी की थी सर क्योंकि रिटर्न uh, मेरा अच्छा गया था बट सर गर्ल्स के लिए मेरिटेन होना इज़ अ वेरी बिग डील और मेरे लिए मेरिटेन होना रैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सर उसके लिए जी जी की तैयारी करो जीके की तैयारी करो करंट अफेयर्स पढ़ो एंड सर पर्सनालिटी सर आपकी अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है बट ठीक है आप उसको च, मतलब थोड़ा बहुत तो डेवलप कर सकते हो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो दोस्तों के साथ घुलो मिलो बैठो जब पढ़ना है तो पढ़ो दोस्तों के साथ भी समय बिताओ और एक टीम स्पिरिट वाली भावना होती है क्योंकि सर फौज में यही चाहिए कि मेरा बंदा मेरे बंदे को कुछ ना हो मैं आगे जाऊँगा वो वाली फीलिंग आनी चाहिए तो वो लेके चलो और सर हो जाएगा क्लियर आराम से जो सबसे ज्यादा डर बिठाया जाता है जो बताया जाता है बच्चों में वो यही होता है कि पाँच दिन का टेस्ट होता है वो उसमें क्या क्या होता है मतलब डे वन डे टू जैसे एक दिन तो स्क्रीनिंग उसमें कुछ सिचुएशन आपको दी जाती है ओ टेस्ट होता है ये सब क्या है ये थोड़ा सा सो so, स्क्रीनिंग के बाद डे वन के बाद डे टू पे साइकोलॉजी का टेस्ट होते हैं सारे उसमें वो रिटर्न टेस्ट होते हैं उसमें आपका सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को परखा जाता है तो उस उसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपको सिचुएशंस देंगे कि मान लो आप ट्रेन में जा रहे हैं और किसी ने किसी लेडी का पर्स चोरी कर लिया तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे वैसे टाइप के साठ सिचुएशन होते हैं फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट्स होते हैं कोई आपको एक शब्द देंगे उससे आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे मीनिंगफुल फिर उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है आपको अपने बारे में लिखना होता है आपकी हॉबीज़ लिखनी होती है आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके बारे में तो इस तरह से वो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एज अ पर्सन वो कैसा है उसकी क्वालिटीज़ किस टाइप की है और जब वो ये सब जान लेते हैं तो ये इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए इंटरव्यू होता है उसमें वो लोग पता करते हैं कि जो ये बच्चा बोल रहा है वो किस हद तक सही है और वो वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को इंटरव्यू के द्वारा अनुराग जो ये बताते हैं कि कुछ लोग बताते तीस सेकंड की कोई फिल्म दिखाई जाती है उस पर कुछ आपसे बोला जाता है कि इस पर कुछ लिखिए ऐसा कुछ होता है हाँ सर ऐसा भी होता है हमारे पास टी भी होती हैं और पी, -पी भी होती हैं जहाँ आपको तीस सेकेंड के लिए इमेज दिखाई जाती है और उस पर आपको अपनी परसेप्शन करके स्टोरी लिखनी होती है तो सर उसके लिए मैं बस यही बोलूँगा कि इफ यू हैव अ पॉजिटिव माइंड अगर आप एक पॉजिटिव और एक कंस्ट्रक्टिव माइंड रखते हैं तो वो चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं होती हैं बस अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव नज़रिया रखना चाहिए और चीज़ों को सुलझाने का और लोगों को लीड करने की अगर ज़िला आप में तो वो चीज़ें हो जाती हैं बहुत अच्छे से मानी you <laughs> वो जो एक जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन उसमें क्या होता है कैसे जैसे कई बार हम लोग को सिखाया जाता तो है जो पहले बोल देता है वो जीत जाता है या फिर जो लास्ट में इंतजार करके जाओ क्या होता है उस, उसका क्या तरीका सर उसमें मैं बस यही बोलूंगा कि आपकी क्वालिटी कैसी है पॉइंट्स की वो बहुत मायने रखती है यानी कहते हैं ना कि अगर चाणक्य सबसे पहले भी नहीं बोला पर अंत में भी अगर उन्होंने एक सार बोल दिया जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था जो शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बस आपको क्वालिटी अच्छी रखनी है और एज ए लीड करना है ओवरऑल एक डिस्कशन को और अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं और अगर आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो तो जीडी बहुत आराम से हो जाएगी अच्छा। इसमें पूरे इसमें फिजिकल का क्या रोल होता है फिजिकल टेस्ट कैसे देते हैं आप सर मैं फिजिकल के बारे में कहना चाहूँगा कि फिजिकल से ओवरऑल दो टास्क होते हैं एक आई होता है एंड एक ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होता है तो दो, दो वो टास्क होते हैं जहाँ आपकी फिजिकल फिटनेस मायने रखती है बट मैं ये बोलूँगा कि फिजिकल फिटनेस for तो, तो एक कॉम्पलीमेंट्री चीज है कि वो ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप ऑब्ली फिजिकली फिट हो गए सर फाइव किलोमीटर्स की रनिंग में करता हूँ सर रेगुलरली कितने सुबह सुबह होता है क्योंकि के लिए आप एक रूटीन रख सकते हो क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप होता है तो मैं सुबह सुबह अपने फिजिकल फिटनेस के रूटीन में रनिंग रखता हूँ और शाम के टाइम वर्कआउट ये yes, सर बीच में फिर पढ़ाई लिखाई जाए हाँ बीच में यानी वो चीज़ें भी काफी अच्छे से मैनेज होती है क्योंकि आपको पता है आप अपनी फिजिकल एनर्जी स्पेंड कर चुके हो तो आपके पास जो भी हो मेंटल एनर्जी है बस उसे एक्सट्रैक्ट करने का कर टाइम जैसे रिजल्ट आ गया तो अभी फिजिकली थोड़ा आराम लिया जा रहा है या फिर वो चल रहा है लगा नहीं सर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यानी एक फौजी की लाइफ में डिसिप्लिन ही होता है जो मायने रखता है तो वो चीजें आपकी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए भले ही आप रात को ग्यारह बजे सो रहे हो या रात को बारह बजे सो रहे हो बट सुबह का जो रूटीन है वो वैसे ही मेंटेन होना चाहिए वो चीज़ें मैनेज करना ही शायद आपको कहीं आर्म फोर्स के लिए प्रिपेयर और आप लोग भी फिजिकल कैसे तैयारी करते हो यस सर मेरा कॉलेज है तो हमारे कॉलेज में एन है तो आपको एक नए एक स्पोर्टमैन कॉलेज फॉर वुमेन तो सर एक ना एक स्पोर्ट में आपको इनरोल होना पड़ता है तो मैं भी उसमें एथलेटिक्स में और बैडमिंटन में हूँ तो सर मैं जब से मैंने तो सर तब से स्टार्ट किया था जब से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो सर मैंने तब से स्टार्ट किया था और वो थोड़ा हेल्प भी करता है क्योंकि सर हालाँकि टास्क इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते पर उस टाइम प्रेशर बहुत होता है तो चोट लगने की संभावनाएँ बहुत होती हैं बट सर बहुत अच्छा था हमारे ग्रुप में किसी को चोट नहीं लगी सबने अच्छे से किया और सर हमारे ग्रुप से रिकमेंडेशन भी बहुत ज़्यादा थे तो सर फ़िज़िकल फिटनेस मायने रखती है पर सिर्फ एक यही चीज़ नहीं है जो बहुत मायने रखती है हाँ पर इसका रोल होता है सर और आपका सर फिज़िकल फ़िटनेस ज़रूरी मायने रखता है क्योंकि जो ग्रुप टास्क होते हैं वहाँ पे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस उन सब में फ़िज़िकल फ़िटनेस का बहुत बड़ा रोल होता है तो इसके लिए क्योंकि मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे पापा ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोर्स करी थी कि फ़िट तो रहना ही है तो भाई बहन शाम को सारे मिल रनिंग ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करके हम लोग फिट रहते थे जैसे हम लोग सुनते हैं ऐसा थोड़ा सा कुछ दोस्त भी बताते हैं कि जिनके पापा फौज में होते हैं, रिटायर हो जाते हैं फिर घर आते हैं तो एकदम वही फौजी वाला स्ट्रिक्टनेस रहता है ऐसा कुछ होता है क्या सर जहाँ ज़रूरी है वहाँ स्ट्रिक्टनेस ज़रूर रहता है जहाँ थोड़ा लीनिएंट हो सकते हैं वहाँ पेरेंट्स रहते हैं लीनियंट यस अच्छा yes. एक बात अनुराग आप बताओ कि सबने पास किया सब अच्छे रैंक आए और बड़ी उपलब्धि है सबके लेकिन गुरु आपने ऐसा क्या किया कि आपका रैंक वन आया सर मैं मैंने कभी भी रैंक वन को एम नहीं करा था मैं बस यही कहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना आर्म फोर्सेज में अपना बेस्ट देना होता है मैं बस अपना बेस्ट देते चलते रहना चाहिए बाकी जो रैंक है वो तो बाद की बात है यानी अभी भी मैं यही बोलूंगा कि अभी तो जर्नी बहुत लंबी है यानी शायद मुझे भी आगे चल के बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है तो सर यही है कि यानी अपना बेस्ट देते रहना चाहिए रैंक तो एक साइड वाइज चीज़ होती है आर्म फोर्सेज में अपना बेस्ट अगर हम दे रहे हैं तो आर्म फोर्सेज में उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री कोई चीज़ नहीं होती है सर तो मम्मी पापा आपके जो ऐसे ही नहीं कहते यार दिन भर तुम ऐसे लगे रहते हो ये कर रहे हो पढ़ाई में भाग रहे हो खाने पे ध्यान नहीं देते अब दुबले हो गए जैसे आम मम्मियों का कंसर्न होता तो आपकी मम्मी का सिर्फ वो तो होता ही है यानी पेरेंट्स तो कंसर्न के लिए होते ही है वो तो हमेशा एवर रेडी रहते हैं कंसर्न के लिए बट कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बैलेंस करनी होती क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू लीड पीपल तो आप अपने आप को मैनेज करना सीख जाना चाहिए आपको कि आपको अपने आप कैसे मैनेज करनी होती है चीज़ें अच्छा इसमें आप लोग जब पढ़ाई करते हो इंडिया की तैयारी करते हो सेल्फ स्टडी तो हो गई कोचिंग वगैरह भी करनी पड़ती है सर रिटर्न के लिए जो मैंने प्रिपरेशन करी थी उसमें मैंने कुछ अपना जो पार्ट था वो शौर्य टू पॉइंट टू जो डिफेंस वाला का बैच होता है वहाँ से मटीरियल लिफ्ट करा था सर फॉर माई प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न और आप लोगों ने सर जो मेरा फ़र्स्ट रिटर्न था तो मैंने भी लिया था बिकॉज मेरा कॉलेज था तो मुझे कोई सोर्स चाहिए था पढ़ने के लिए और एक साल का गैप था स्कूल के बाद क्योंकि सर स्कूल में तो स्कूल के जैसे पढ़ा था तब एन नहीं था hmm. तो मैथ्स भी एक साल से छूट गई थी बिकॉज नाउ आई ऑप्टेड फॉर बी प्रोग्राम दो आई वॉज फ्रॉम पी तो आई एनरोल इन वन ऑफ द बैचेज ऑफ डिफेंस वाला पर सेकेंड अटैम्प में मेरे वो फर्स्ट अटैम्प वाले नोट्स काम आए और एस तो सर खुद से की क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी सर तो सर वो तो हो जाता है एस और आपने सर आजकल YouTube पे ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है बच्चा को कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो पढ़ सकता है उससे तो मैंने भी YouTube का फ़ायदा उठाया मैंने YouTube से डिफेंस uh, वाला चैनल है वहाँ से मैंने अपनी रिटर्न की प्रिपरेशन की थी और uh, मैंने कोचिंग नहीं ली क्योंकि इट्स अ टेस्ट ऑफ़ पर्सनैलिटी एज रितुजा सेड तो उसके लिए अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए यस yes.

आपका एस का कैसा एक्सपीरियंस रहा था सर कहीं ना कहीं एस में जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी इफ़ यू आर एबल टू लीड यानी अगर आप लोगों को लीड कर पा रहे हो और लोगों के साथ कन्विंस और कॉपरेशन रख पा रहे हो तो एस एस यानी उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें बस आप लोगों को लीड करना सीखते हो और आप लोगों के साथ कॉपरेट कैसे करते हैं अगर वो चीज़ें आपको आती है तो एस हो जाता है आप लोगों को कहीं जाना पड़ता है इसको टेस्ट देने के लिए किसी Center, हाँ सर एस एस बी की यानी सेंटर्स होते हैं बोर्ड्स होते हैं एट स्पेसिफिक प्लेसेस तो वहाँ जाना होता है वो सारी प्रोसेस यानी वो काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस है यानी पाँच दिन आप लोग वहीं रहते हैं यस सर यस सर एग्जैक्टली सर फाइव डेज का टेस्ट होता है हमारा अभी तो जैसे परीक्षा हो गई रिटर्न निकल गया एस एस बी क्लियर हो गया इंटरव्यू क्लियर हो गया रैंक वन भी आ गई लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली है जो फौज की ट्रेनिंग होती है जो लेफ्टिनेंट बनते हैं ऊपर फिर प्रमोट होते हैं कैप्टन मेजर तक जाते हैं तो उस ट्रेनिंग के बारे में आपने सोचा है कि कैसे क्या होती पता आपको हाँ सर मैं उस ट्रेनिंग में जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि हमें हमेशा अपना बेस्ट देते रहना चाहिए क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसी जर्नी है जो शायद कभी ख़त्म नहीं होती जब तक आप जीते हो तो मैं अभी आगे चल के भी अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा जो भी फिजिकल एंड मेंटल जो भी आर्म्ड फोर्सेज की डिमांड होगी मैं उसे सैटिस्फाई करने की फुलफिल करने की कोशिश अपनी बेस्ट

सामने फ्रंटल पोस्ट पे उनकी ड्यूटी लगने लग गई है अब तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जी सर हम बिल्कुल तैयार हैं और लड़कियां जरूर प्रूफ करेंगी और इस तरह से प्रूफ करेंगी कि सीट्स भी बढ़ाए जाएं लड़कियों के लिए कितनी सर, सर अभी नाइनटीन सीट्स होती है टेन फॉर आर्मी सिक्स फॉर एयरफोर्स नाइनटीन होती है उसमें से टेन फॉर आर्मी एंड फोर फॉर नेव एयरफोर्स हाँ तो सर लड़कियाँ जरूर प्रूफ करेंगी दे आर एज इक्वल एज बॉयज एंड वो किसी भी फील्ड में जाए वो इक्वली प्रूफ कर सकती हैं कि वो डिजर्विंग है उस करियर के लिए तो आप कितने दिन की ट्रेनिंग होगी आप लोगों की आर्मी में सर तीन साल पुणे खड़क वासला एनडीए और एक साल आई में देहरादून तो कौन सा किस में जाना आप लोग पसंद करेंगे आर्मी में एयरफोर्स में या फिर सर मेरा प्रेफरेंस आर्मी है अच्छा। मैं आर्मी में जाऊँगी आपका सर मेरा प्रेफरेंस भी आर्मी है और आपका प्रेफरेंस सर फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी एंड सेकंड प्रेफरेंस एयर फोर्स तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस शायद अलाट हो जाएगा आपको नहीं अलॉट होगा तो किसको अलॉट होगा रैंक <laughs> वन है आपकी तो खैर ये तीनों टॉपर्स इनसे हमने बात की और अपना एक्सपीरियंस इन्होंने बताया कितने मेधावी बच्चे हैं कितने मेधावी छात्र हैं छात्राएं हैं जो देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा नाम है अभिनव पांडे देखते रहिए दी ललन टॉप